यमराज ने बताया मौत से बचने का उपाय। दोस्तों, मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर, हम कुछ भी कर लें पर मृत्यु से नहीं बच सकती। हम यमदूतों को रिश्वत देकर नहीं लौटा सकते, चाहे आप कितने ही बड़े धनी क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि हम एक ज्ञानी व्यक्ति हैं और मौत जब हमें लेने आएगी तो हम उसे उपदेश सुनाकर लौटा देंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि हम एक पावरफुल व्यक्ति हैं, मौत जब हमें लेने आएगी तो हम उसे भयभीत कर देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री सुंदर है और वो अपनी सुंदरता से मौत को मोहित कर लेगी तो वो उसे नहीं मारेगी। चाहे कोई धनवान हो, गुणवान हो, रूपवान हो, बलवान हो, ज्ञानी हो या नेता हो, डॉक्टर हो या तांत्रिक, सबके लॉजिक यूं ही रखे रह जाएंगे। जब मौत आएगी, किसी का कोई हुनर काम नहीं आएगा। दर्शक बंधु, आज मैं आपको मौत से बचने का एक उपाय बताऊंगा जो स्वयं यमराज ने बताया था। तो आइए बने रहिए इस कहानी में वीडियो के समाप्त होने तक। यदि आप वीडियो को स्किप करके चले गए तो आप इस रहस्य से अनजान रह जाएंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बड़ा ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हुआ था जो अपनी कला से ऐसी मूर्तियां तैयार करता था जैसे वे बिल्कुल सजीव हों। वो जिस व्यक्ति को चाहता था उसी को हूबहू मूर्ति का रूप दे देता था। कोई इस बात को पहचान ही नहीं पाता था कि वो मूर्ति है या हकीकत। उसकी ये चित्रकारी देखने के लिए लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। एक दिन उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अपनी इस कला का फायदा उठाऊं। यही सोचकर उसने अपने ही समान, अपने ही रूप की 11 मूर्तियां तैयार की जो देखने में हूबहू उसके जैसी दिख रही थी। उन मूर्तियों में लेस मात्र भी अंतर नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो चित्रकार ही जीवित रूप में खड़ा है। उसने सोचा कि जब मेरी मृत्यु आएगी तो मैं इन्हीं मूर्तियों के बीच जाकर खड़ा हो जाऊंगा और मृत्यु मुझे पहचान ही नहीं पाएगी तो मुझे कैसे ले जाएगी। मौत से बचने का यह अच्छा तरीका सोचा था उसने। चित्रकार ने अपनी सभी मूर्तियां एक जगह खड़ी कर दी और उस दिन का इंतजार करने लगा जब मौत उसे लेने आएगी। दर्शक बंधु, धीरे धीरे वो दिन भी आ गया। उसे अपनी मृत्यु के लक्षण दिखाई देने लगे। उसने समझ लिया कि वो अब मरने वाला है तो वो उसी क्षण अपनी उन्हीं मूर्तियों के साथ जाकर खड़ा हो गया। उधर यमराज ने अपने दूतों को उस चित्रकार के प्राण लेने के लिए भेजा। यमदूत जब उसके घर पहुंचे तो 12 चित्रकारों को एक साथ एक रूप में खड़ा देखकर यमदूत भी चकरा गए। सोचने लगे, यमराज ने हमें एक को लेने भेजा है, यहां तो एक ही रूप के 12 लोग खड़े हैं, अब इनमें से हम किसे ले जाएं? एक ही रंग रूप के 12 मूर्तिकार खड़े हैं, इनमें से कौन असली है जिसके हमें प्राण ले जाने हैं। काफी देर तक यमदूत उन मूर्तियों में अंतर ढूंढते रहे पर उन्हें कोई अंतर नहीं मिला। वे इस बात से बड़े हैरान थे कि क्या करें, कि कैसे असली की पहचान करें। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद जब वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो बिना उसके प्राण लिए ही वापस लौट गए। और उधर यमराज ने देखा कि उनके दूत खाली हाथ ही लौट आए हैं तो यमदूतों पर नाराज होते हुए यमराज ने पूछा कि हे पार्षद, मैंने तुम्हें उस मूर्तिकार के प्राण लेने भेजा था और तुम हो कि खाली हाथ ही चले आए। ऐसी क्या तुम्हारी मजबूरी रही कि तुम उस मूर्तिकार को नहीं ला सके? तब घबराते हुए, कांपते हुए यमदूतों ने उत्तर दिया, हे स्वामी, वो मूर्तिकार बड़ा चतुर व्यक्ति है। उसने हूबहू अपने जैसे 11 पुतले बनाकर खड़े कर लिए हैं और उन्हीं में 12वां वो भी खड़ा हो गया है। 12 पुतलों को एक ही रंग रूप में एक साथ खड़े होने के कारण हम उस मूर्तिकार को पहचान ही नहीं पाए कि उन 12 में असली कौन सा है। इसी भ्रम में उलझकर हम उसके प्राण नहीं ला पाए। हमें क्षमा करो, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। मित्रों, अपने दूतों की परेशानी को समझते हुए यमराज ने कहा, कोई बात नहीं, उस मूर्तिकार को लेने में स्वयं जाऊंगा। दर्शक बंधुओं, संयमनीपुरी के स्वामी काल देवता उस मूर्तिकार के घर स्वयं पहुंच गए।
परंतु 12 मूर्तियों को एक साथ एक जैसा बना हुआ देखकर यमराज भी भ्रमित हो गए। सोचने लगे, हमारे दूतों ने सही कहा था, यह मूर्तिकार वाकई में बड़ा कलाकार और बहुत बुद्धिमान है। अपनी चतुराई से वो मृत्यु की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, पर विधाता ने हमसे कहा है कि मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है। मृत्यु से बचने के लिए चाहे कोई कितने ही उपाय कर ले, पर मृत्यु को तो स्वीकारना ही पड़ेगा। विधाता के नियमों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना कोई अपने जीवन में एक क्षण घटा सकता है ना बढ़ा सकता है, फिर ऐसे ये मूर्तिकार कैसे जीवित रह सकता है। यमराज खड़े खड़े ये सब बातें सोच रहे थे, फिर उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने मनुष्य की कमजोरियों पर दृष्टि डाली कि पृथ्वी के मनुष्यों में क्या क्या कमजोरियां होती हैं। पहले उन्होंने सोचा कि पृथ्वी का मानव लोभ के वशीभूत रहता है, लोभ में आकर वो बड़े से बड़े पाप कर डालता है, यहां तक कि वो स्वयं को भी विपत्ति में डालकर अपना लोभ पूरा करता है। लोभ में आकर अक्सर पृथ्वी के मनुष्य जलते कटते पिसते और मरते रहते हैं, क्यों ना मैं इसे लोभ दिखाऊं तो ये सामने आ सकता है। यमराज ने वैसा ही किया। उन मूर्तियों के सामने यमराज ने हीरे और जवाहरातों को रख दिया। उधर मूर्तिकार ने देखा तो सोचने लगा कि यदि मैं धन उठाने जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, और यदि मैं मर गया तो इस धन को कौन भोगेगा, इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए। दर्शक बंधु, मूर्तिकार यमराज के दिखाए लोभ पर भी आकर्षित नहीं हुआ। यमराज ने फिर सोचा कि मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है वासना। सुंदर स्त्री को देखकर वो पागल सा हो जाता है। लाखों उदाहरण है कि स्त्री को पाने के लिए बड़े से बड़े बहादुर भी मौत के मुंह में चले गए। ये मूर्तिकार तो बहुत छोटी चीज है। धन और स्त्री के पीछे दुनिया में बड़े से बड़े सर्वनाश हुए हैं। यही सोचकर यमराज ने एक बहुत सुंदर स्त्री को बनाकर उन मूर्तियों के सम्मुख भेजा। मित्रों, एक बार तो मूर्तिकार का मन डोल गया कि इतनी सुंदर स्त्री मैंने जीवन में आज तक नहीं देखी, क्यों ना इसे मैं अपनी प्रियसी बना लूं। फिर उसके समझ में आया कि सुंदर स्त्री तो एक माया होती है और माया के चंगुल में फंसकर मनुष्य मारा जाता है, इसलिए मुझे इसको पाने का विचार त्याग देना चाहिए। दर्शकों, मूर्तिकार उस सुंदर स्त्री से भी प्रभावित नहीं हुआ। अब तो यमराज बड़े हैरान थे कि क्या करूं, कैसे इसे सामने लाऊं। फिर उन्हें मनुष्य की एक और बड़ी कमजोरी समझ में आई कि पृथ्वी का मनुष्य अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा लालची होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर कोई अपनी कला की, अपने रूप की, अपने गुण की प्रशंसा सुनने का इच्छुक रहता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यही सोचकर यमराज ने उस मूर्तिकार की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। यमराज कहने लगे, धन्य हो मूर्तिकार, मैं तुम्हारी कला को नमन करता हूं। इतनी सुंदर रचना मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। देखो कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां तुमने बनाई हैं। ऐसा लगता है जैसे साक्षात विश्वकर्मा जी की बनाई हुई ये मूर्तियां हैं। यमराज के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मूर्तिकार गर्व से भर गया। वो मन ही मन बड़ा प्रसन्न होने लगा। मित्रों, इतने में यमराज ने प्रशंसा करते करते उसमें एक छोटी सी कमी निकाल दी। यमराज बोले, मूर्तिकार, तुम्हारी मूर्तियां तो बहुत सुंदर हैं, जिनका बखान करना बहुत मुश्किल है, परंतु ये क्या, इतना सब कुछ सही करने के बाद भी ये एक कमी क्यों छोड़ दी। दर्शक बंधु, यमराज के मुख से यही शब्द सुनते ही मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच से बाहर निकल आया और बोला, कौन सी कमी। यमराज ने कहा, यही कमी कि तुम अपने अंदर की कोई कमी नहीं देखना चाहते। ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देखना चाहता है, चाहे उसमें कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, वो सिर्फ दूसरों की बुराइयों को ही देखता है। वो ये चाहता है कि लोग उसे अच्छा कहें, चाहे उसमें कितनी ही बुराइयां भरी हों, और यही उसकी भूल है। दूसरी भूल उसकी ये है कि वो कभी अपने को नहीं भूल सकता, और जो व्यक्ति कभी अपने को नहीं भूलता वो कभी मृत्यु से नहीं बच सकता। जो संसार से स्वयं को जोड़े रखता है
संसार के दुर्गुणों से सना रहता है, संसार की बुराइयों से अपना संबंध बनाए रखता है, उसे तो मरना ही पड़ेगा। जो ये मानकर चलता है कि संसार में मैं ही सब कुछ हूं, यही मैं होने की भावना उसके पतन का कारण है। यदि आप चाहते हो कि मृत्यु तुम्हें छू भी ना सके, तो स्वयं को भुलाकर ईश्वर की मौजूदगी को समझो कि जो कुछ है वो ईश्वर है, जो कुछ कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, मैं कुछ नहीं हूं और ना कुछ मेरा है। ऐसा सोचने वाला कभी नहीं मरता। मरता वही है जो स्वयं को शरीर मानकर राग दोषों में फंसा रहता है। मित्रों, इस प्रकार यमराज उस मूर्तिकार के प्राण लेकर चली गई। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और इस वीडियो के विचार आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो चलिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।